मैम मौका भी है, दस्तूर भी है, डांसिंग लाइट का लॉन्चिंग भी है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मिस टाओ जो आई हुई है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि एट द एज ऑफ 97 इयर्स, जो कि हम बोलते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं या उम्र हो गई है, बट वो अभी भी इतनी जवान है। उनसे मैं बात कर रही थी अभी एक घंटे से, और उनको देखकर ये लगता है कि वो हमारे अंदर, हमारे यूथ के अंदर इतना इतना स्पिरिट भर सकती हैं और इतना अच्छा डांस करती हैं, वो भी 4 इंच हील्स पहनकर, इट्स नॉट ईजी। और अभी वो कह रही थी कि वो अभी ट्रैकिंग भी करती हैं हील्स पहनकर, हम जब कैट्स पहन के जाते हैं वो तो हील्स पहनकर ट्रैकिंग पर जाती हैं, तो ट्रूली शी इज एन इंस्पिरेशन। ऑटोबायोग्राफी है उनका, और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ वो पढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक को वो पढ़ना चाहिए। उनका जो लाइफ जर्नी है, जब से उन्होंने शुरू किया था और अब तक, हर वक्त उनका यही रहा है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं और बस करते रहूं। जैसे कि आज कुछ प्रोग्राम होने वाला, डांस शो होने वाला, तो कुछ आपके भी स्टेप देखने मिलेंगे डांस में? मैं होस्ट कर रही हूं इवेंट को। और नया साल है, क्या रिजोल्यूशन क्या उसके बारे में? अभी तो मैं उनको देखकर इंस्पायर्ड हूं, तो मैं चाहूंगी कि मैं भी कहीं ना कहीं उनका 1% भी हूं तो बहुत है। मैम आपको ये जानकारी है कि डांसिंग लाइट का जो ऑटोग्राफ उन्होंने लॉन्च किया है, इसका आइडिया कहाँ से आया? कैसे आपके नाम पर आइडिया? उनका लाइफ का पूरा कहानी है, तो आइडिया कहाँ से आएगा? उन्हीं की स्टोरी है जी, फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है, तो फिर उन्हीं की कहानी है। थैंक यू। पसंदीदा डांसर्स है संदीप एंड ताओ। ताओ को मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 इयर्स से डांस करते देख रही हूँ, हमेशा संदीप के इवेंट पे, और वो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि हम लोग इवन आधे तक वहाँ तक पहुँच पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सो आई थिंक यहाँ होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इट्स सो इंस्पायरिंग। ताओ खुद इतनी इंस्पिरेशनल है कि ये उनकी बुक पढ़ के, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट इवन मोर मोटिवेटेड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो उभर के निखर आता है। आई थिंक उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा भी अगर हम सीख सके उनसे तो बहुत ही अच्छा होगा। आई थिंक विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ में जो उनका जो ब्यूटी है लाइफ की, वो अलग तरीके से देखती है हर चीज़ में। अभी भी आप मुड़ के देखें तो वो हंस रही है। एट 97 टू बी सो एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, हैट्स ऑफ टू ताओ। वो आज योगा करती है, अभी संदीप ने बताया कि वो सिर्फ ऑरेंज जूस पीती है, उन्होंने सालों से पानी भी नहीं पिया है। आई थिंक इट्स सो इंस्पायरिंग, छोटी छोटी बातें जो उनको मिलके सीखने मिलती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। So please give a round of applause for Tao Porsche on bench for the just this speaker she has. Thank you, Sandeep, for such a wonderful, wonderful welcome. It truly feels fantastic to be here amongst all of you all. First of all, wishing all of you a very Merry Christmas and a Happy New Year in advance. This is the first time I'm hosting an event, so just in case I goof up, just to